हिमाचल प्रदेश में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार सुबह राजधानी शिमला के उपनगर संजोली में एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। जैसे ही लोगों ने ट्रांसफार्मर में आग लगती देखी तो तुरंत इस संबंध में अग्निशमन विभाग को सूचित किया। अग्निशमन विभाग ने समय पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और आग को आगे बढ़ने से रोका। वहीं इस दौरान मौके पर लोगों में हड़कंप मच गया। सड़क किनारे लगा यह ट्रांसफार्मर धू धू कर जल रहा था। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट के चलते आसपास के इलाकों की बिजली भी गुल हो गई है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्टेशन फायर अधिकारी टेक चंद चौहान ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि समय पर आग पर काबू पा लिया गया है, जिससे कोई नुकसान की घटना सामने नहीं आई है।